press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बेटा सारी फाइल्स अच्छे से रख दी हैं। इस बार माता रानी की कृपा से सब अच्छा होगा। नहीं माँ, इस बार जो करूंगी मैं खुद करूंगी। आप बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। क्या हुआ ये? यू आर एन एक्सीडेंट? वो मैं अपनी बिल्डिंग की छत से कूद गई थी। बट व्हाई? क्योंकि मैं पिछले काफी सारे इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो गई थी। क्यों? वो मैं नशे की हालत में अपने दोस्तों के साथ थी और उसका गलत फायदा उठाकर मेरा MMS बना दिया गया था। आप जानती है ना कि आपकी शादी का इंटरव्यू है? जानती हूँ अंकल, बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अब रिजेक्शन का कोई डर नहीं है मुझे। आपके करेक्टर को लोक फाउंडेशन ने बहुत ही घटिया बताया, इसकी कोई खास वजह? समाज। बचपन से ही छोटे कपड़े पहनने का शौक था मुझे, लड़के दोस्त भी थे, लड़कियों से ज़्यादा तो लड़के दोस्त थे मेरे। बस यही बात लोक फाउंडेशन को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगता है कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं वो बदचलन होती हैं। मैंने उनकी इसी बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे ये कैरेक्टर लेस का सर्टिफिकेट मिला। तुम्हारे रिपोर्ट में लिखा है कि तुम वर्जिन नहीं हो। हाँ आंटी, 2 साल पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसने मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझसे शादी करेगा। यही सब सोच के मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया। उसके बाद से वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुम्हें पता है ना तुम्हारी ये बातें इंटरव्यू में असर करेंगी। मुझे मालूम है आंटी, लेकिन बेड पे सफ़ेद चादर बिछाकर टेस्ट लेने से तो अच्छा है मैं अभी सब बता दूं। देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। हमें एक संस्कारी और 100% वर्जिन लड़की चाहिए, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट से लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टरलेस हैं। बट आप अगर हमें ये विश्वास दिलाओ कि आप एक सिंपल हाउसवाइफ बन के रहने को तैयार हैं, तब हम इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, है ना? आंटी, एक हाथ तोड़वाने के बाद तो इतनी हिम्मत आई है कि ये सब कुछ बोल पाऊं। अब ये सब करवाने के लिए आप ना जाने मुझसे क्या क्या कराएंगे। इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकती, पर बट आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। आप अपना लड़का रख लीजिए, मैं लोगों के गंदे टैग्स रख लेती हूँ। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। थैंक यू। रुको,
पिछले 2 साल से हम अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज लिए, उसमें से कुछ लड़कियां हमारी हाँ में हाँ मिला ही लेती हैं। तुम कहाँ से आई हो भाई? अंकल मैं कुछ समझी नहीं। दहेज कितना लोगी ये डिस्कस कर लें।